सवाल ये है कि हमारे माशरे में ऐसे पढ़े लिखे लोगों को क्यों पुलिस परेशान करती है? इन दो केसेस की बुनियाद पर डॉक्टर तनवीर अंसारी पर 2006 में बम ब्लास्ट का एक मुकदमा कायम किया गया। चूंकि बम ब्लास्ट 11 जुलाई 2006 को हुआ था, तो उसके बाद पुलिस ने डॉक्टर तनवीर अंसारी को लोकल क्राइम ब्रांच में बुला करके पूछताछ की और उनसे उनके बयानात रिकॉर्ड किए गए। जब पुलिस ने ये पाया कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, तो उनको रिहा भी कर दिया गया। उसके बाद 2006 में पुलिस ने फिर उन्हें अस्पताल से गिरफ्तार किया। साबू सिद्दीक अस्पताल में वो रजिस्ट्रार के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, वहाँ से गिरफ़्तार करके एटीएस उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाती है और उन पर बम ब्लास्ट का एक मुकदमा कायम करती है। पुलिस का इल्ज़ाम है कि ये सिमी और लश्कर तैयबा के मेंबर है, इन्होंने बम ब्लास्ट की साजिश रची है। ये हिंदुस्तान से बाहर ईरान जाकर इन्होंने ईरान के रास्ते से खुफिया रास्ते से पाकिस्तान गए और इन्होंने हथियारों की ट्रेनिंग ली, बम बनाने की ट्रेनिंग ली। ये इस ब्लास्ट की पूरी साजिश में पेश रहे। जिस वक्त 9, 10, 11 जुलाई को बम बन रहे थे गवंडी में, तो ये उस गवंडी के घर में जहाँ बम बन रहे थे वहाँ पर वो पहरेदारी कर रहे थे। और जो मीटिंगें हुई है मोहम्मद अली के घर पे या फैसल के घर पे, उस मीटिंगों में ये शामिल थे। इस केस को साबित करने के लिए पुलिस कुल 200 गवाह अदालत में पेश करती है। डॉक्टर तनवीर अंसारी अपने दिफा के लिए 50 गवाह पेश करते हैं और ख़ुद हल्फिया गवाही देते हैं। डॉक्टर तनवीर का कहना है कि उन पर ये मुकदमा झूठा कायम किया गया है, उनका किसी भी दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो पेशे से डॉक्टर है और कौम और मिल्लत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि उनको बहुत टॉर्चर किया गया, कोरे कागजात पर और लिखे हुए कागजात पर उनकी दस्तखत ली गई, कई बार उनका इल्लीगल नार्को टेस्ट किया गया, जिसकी शिकायत उनके वालिद ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी की, और उनके साथ बहुत ही जानवरों जैसा और गैर इंसानी सलूक किया गया टॉर्चर करके। केस कुल 9 साल चलता है और 2015 में इस केस का फैसला आता है। तमाम सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद कन्फेशन की बुनियाद पर अदालत डॉक्टर तनवीर को उम्र कैद की सज़ा सुना देता है। अदालत का कहना यह है कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया गया है वो वॉलंट्री था और सच्चा बयान था, इसलिए उसको मुस्तरद नहीं किया जा सकता। तनवीर अंसारी और उनके वकील ये साबित करने में नाकाम रहे कि वो कन्फेशनल स्टेटमेंट किसी दबाव में या टॉर्चर करके दिया गया है, इसलिए कन्फेशनल स्टेटमेंट की बुनियाद पर अदालत ने डॉक्टर तनवीर अंसारी को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एक जीआर निकालती है और जिसमें ये कहा जाता है कि जो लोग ख़ास तौर से बम ब्लास्ट के केसेस में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं, उनको 60 साल जेल में गुजारने होंगे, या अगर उनकी उम्र 65 साल हो तो उसके बाद उनको कुछ रेमिशन दिया जा सकता है। आज पिछले 15 साल से डॉक्टर तनवीर अंसारी जेल में कैद है। जेल में रहते हुए उन्होंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नो से मुख्तलिफ कोर्सेस और आला तालीमी जो सिलसिला है उसे जारी रखा। उन्होंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट का पीजी कोर्स किया। 2005 में उनकी शादी हुई थी। 2006 में बम ब्लास्ट के केस में वो अरेस्ट हुए और जेल जाने के बाद उनके घर में एक बच्ची की विलादत हुई। आज उनकी बच्ची बहुत ज़्यादा बीमार है, उनकी अहलिया बहुत ज़्यादा परेशान है और उनके घर वाले बहुत ज़्यादा हिरासा है। सवाल यह है कि एक डॉक्टर जो किसी अस्पताल में रजिस्ट्रार है और कौम व मिल्लत की खिदमत कर रहा है, उन्हें झूठे मुकदमात में डाल के उम्र कैद की सज़ा सुनाना कहाँ तक के इंसाफ है। 1998 में डॉक्टर तनवीर ने नागपुर से बीएमएस की डिग्री हासिल की। उनका कहना यह है कि जुलाई 2006 में वो पूरे महीने साबू सिद्दीक अस्पताल में डॉक्टरी के फ़राइज़ अंजाम करते रहे, मरीज़ों को देखा, मरीज़ों का इलाज किया,
मरीज़ों को दवाइयाँ लिख कर दी, वो सारे मेडिकल्स पेपर्स, वो सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने अदालत में पेश किए। उनका कहना यह है कि जुलाई के पूरे महीने वो अस्पताल में हाजिर रहे और बायोमेट्रिक मशीन के ज़रिए जो थंब इम्प्रेशन, जो अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, वो सारा मेंटेन किया गया और वो सारे डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड उन्होंने अदालत को पेश किए। उनका ऐसा कहना है कि कभी भी वो गवंडी शिवाजी नगर नहीं गए। उनका ये कहना है कि वो हर वक्त अस्पताल में रहते थे या घर में रहते थे, उनका फ़ोन, उनका मोबाइल CDR इस बात का पूरा सबूत है, लेकिन अदालत ने ये सारे रिकॉर्ड्स मानने से इनकार कर दिए। पुलिस का इल्ज़ाम ये है कि ईरान जाना, जो ज़ियारत के लिए जो लोग ईरान जाते हैं वो सिर्फ़ शिया हज़रात जाते हैं। ये डॉक्टर तनवीर अंसारी एक सुन्नी मुसलमान है और इन्होंने ईरान जाकर ज़ियारत नहीं की है, जो ज़ियारत वीज़ा हासिल किया है वो सिर्फ़ ये दिखाने के लिए किया है कि वो ईरान गए थे, बल्कि पुलिस का ये कहना है कि वो ज़ियारत वीज़ा से ईरान गए और वहाँ से छुपते छुपाते पाकिस्तान जाकर उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की। डॉक्टर तनवीर अंसारी का कहना है कि वो ज़ियारत वीज़ा लेकर के ईरान गए और चूंकि वो एक सुन्नी मुसलमान है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद के मकबरों की ज़ियारत उन्होंने की है और वहाँ से वो किसी भी मुल्क में गैर कानूनी कार्रवाई के लिए नहीं गए। इन तमाम बातों के बावजूद उन्होंने अपना पासपोर्ट अदालत में पेश किया, जिसमें ये था कि वो हिंदुस्तान से ईरान ज़ियारत के लिए गए थे और ईरान से वापस हिंदुस्तान लौट आए, लेकिन इन तमाम सबूतों को मानने से अदालत ने इनकार कर दिया और ATS की झूठी कहानी की बुनियाद पर डॉक्टर तनवीर अंसारी को सज़ाए उम्र कैद सुना दी। आज डॉक्टर तनवीर अंसारी जेल में रहकर मरीज़ों की खिदमत करना चाहते हैं, उनका इलाज करना चाहते हैं, लेकिन ना जेल इंतज़ामिया उसको इस बात की इजाज़त दे रहा है और ना अदालत उनको रिहा कर रहा है। पिछले 5 सालों से डॉक्टर तनवीर अंसारी की अपील बॉम्बे हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन इनकी सुनवाई कब होगी और इनको इंसाफ कब मिलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। सवाल यह है कि हमारे माशरे में ऐसे पढ़े लिखे लोगों को क्यों पुलिस परेशान करती है। शुक्रिया।